नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, ये मेडिसिन नसों की कमजोरी के लिए, मानसिक कोई भी कमजोरी के लिए, शारीरिक कोई भी कमजोरी के लिए, मांसपेशी के कमजोरी के लिए और यौन कमजोरी के लिए इस मेडिसिन का हम लोग बखूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपना पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ मैं देखता हूँ पेशेंट के अंदर नसों की कमजोरी है, मानसिक समस्या है, पेशेंट को रात को नींद ठीक से नहीं आता है, पेशेंट के अंदर घबराहट है, बेचैनी है, एंजाइटी है, छोटी सी बात को लेके पेशेंट बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, पेशेंट के अंदर सेक्स करने की इच्छा है मगर पेशेंट जब भी सेक्स करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वीकनेस हो जाता है, वीकनेस के कारण से पेशेंट का इरेक्शन गिर जाता है, शरीर में इतना ज़्यादा डेबिलिटी रहता है, वीकनेस रहता है, एक्सेसिव वाइटल फ्लूइड का लॉस के कारण से बहुत ज़्यादा हस्तमैथ मैथुन किया होता है पेशेंट, जिसके कारण से पेशेंट के अंदर कमजोरी आ जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है, वीकनेस आ जाता है पेशेंट के अंदर, पेशेंट का पेट साफ नहीं होता है, गर्मी पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, पेशेंट घर से बाहर निकलता है तो उसको चक्कर आता है, वर्टिगो होता है, नौशिया आता है पेशेंट को। तो इन तमाम समस्याओं के लिए मैं जिस मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ अपने पेशेंट के अंदर, उसका नाम है एवेनसेटेगा मदर टिंचर। ये जो आप मेरा हाथ में देख रहे हैं ये है एवेनसेटेगा मदर टिंचर, ये डॉक्टर रेगबेक की है। ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। जहाँ इस तरह का कंडीशन अगर आपको दिखे तो आप इस मेडिसिन का बखूबी से प्रयोग कर सकते हैं। ये एक जनरल मेडिसिन है, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने का दरकार नहीं है। अगर आपके अंदर इस तरह की कंडीशन अगर आपको दिख जाता है कि आपको रात को नींद ठीक से नहीं आता है, आपका खाना पेट में ठीक से हजम नहीं होता है, आपका मन में एक एंजाइटी है, छोटी सी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं, पैल्पिटेशन आपको होता है, घबराहट होता है आपको, इवन कि आपका अंदर स्टैमरिंग की अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, कई बार स्टैमरिंग की प्रॉब्लम में भी ये मेडिसिन अच्छा रिजल्ट आता है। तो जो लोग हगलाते हैं, तुदलाते हैं, वो लोग भी इस मेडिसिन का बखूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग जो शब्द बोलते हैं उसको ठीक से हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा नर्वस यानी नर्व में कोई ब्रेन में हमारा कुछ ना कुछ डेबिलिटी चल रहा होता है। तो मानसिक कमजोरी के लिए इस मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टैमरिंग के अंदर भी हम लोग इस्तेमाल करके देख सकते हैं, फायदा हो तो अच्छा बात है, नहीं हो तो फिर आपको कोई बात नहीं, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो यौन समस्या के अंदर जहाँ आपका अंदर डेबिलिटी ज़्यादा हो, वीकनेस ज़्यादा हो, आपने हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर रखा है जिसके कारण से आपका अंदर अभी वीकनेस आ चुका है, कमजोरी आ चुका है, मन में सेक्स के प्रति इच्छा होते हुए भी आपका अंदर डिज़ायर नहीं होता है कि आप जाके सेक्स करें, क्योंकि आपका अंदर इरेक्शन ठीक से नहीं आ पाता है, मन में इच्छा है लेकिन इरेक्शन ठीक से नहीं आ पाता, जिसके कारण से आपका अंदर सेक्स करने की अब इच्छा खत्म सा हो चुका होता है, शरीर में वीकनेस, कमजोरी, थकावट बहुत ज़्यादा है, छोटी सी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा सा चलने से फिरने से हाँफ जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने पर हाँफ जाते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, छोटी सी बात को लेकर सोचते बहुत ज़्यादा है, पसीना आपको बहुत ज़्यादा आता है, प्रोफ्यूस स्वेटिंग, इतना स्वेटिंग होता है कि आपका बॉडी पूरी तरह भीग जाता है। तो इन तमाम समस्याओं के लिए इस मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल में रख सकते हैं। इवन कि हार्ट की कोई समस्या अगर हो तो भी हम लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा हार्ट टॉनिक के तरह भी ये काम करता है। अगर प्रॉब्लम हो तो भी ले सकते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जनरल मेडिसिन है, ये अच्छा ही करेगा, ये बुरा ही नहीं करेगा, ये हमेशा बॉडी के लिए बेनिफिशियल इफेक्ट ही डालेगा, डिमेरिट इसका अंदर कुछ भी नहीं है, मैलिफिक इफेक्ट इसका अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको आप बखूबी ले सकते हैं, जनरल मेडिसिन है। अगर आपको रात को नींद ठीक से नहीं आता है, आप गोली लेते हैं रात को, तो गोली की वजह आप इसको लीजिए, गोली की जगह आप इसको लीजिए, इसको लेके देखिए, आपका अंदर रात को नींद अच्छा से आएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। पेट जिन लोगों का ठीक से साफ नहीं होता है, लेक्सरेटिव खाना पड़ता है, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि लेक्सरेटिव को छोड़ के इस मेडिसिन का प्रयोग करिए आप, फिर देखिए कि आपका अंदर चेंजेस कैसा आता है। जिस पेशेंट का अंदर प्रोस्टेटिक फ्लूइड का इन्वॉलेंट्री निकलने का दिक्कत है, यानी स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है, धात की शिकायत है, उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि इस मेडिसिन को आप लेके आके प्रयोग करिए, फिर देखिए कितना अच्छा आपका अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। तो दोस्तों ये मेडिसिन एक बहुत बढ़िया हेल्थ टॉनिक है, इसका अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, फुल ऑफ विटामिंस है, और जिसके कारण से आपका बॉडी में ऊर्जा पैदा होता है, एनर्जी पैदा होता है, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम को ठीक कर देता है ये मेडिसिन, आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक कर देता है ये मेडिसिन, ब्लड शुगर में भी हम लोग इसको इस्तेमाल कराते हैं पेशेंट के अंदर कि इसको आप इस्तेमाल करिए, ये ब्लड शुगर के लेवल को भी कम करता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल को भी ये कम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है,
फ्री रेडिकल्स को ये बनने नहीं देता है बॉडी के अंदर, इतना अच्छा मेडिसिन है। बहुत लोगों की नर्व की प्रॉब्लम है, हाथ पैर में सुनपन आ जाता है, हाथ पैर ठीक से चलता नहीं है, हाथ इस तरह से कांपने लगता है, कमर में वीकनेस, कमर में दर्द होता है, पेन होता है, तो वो लोग भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जरूर फायदा होगा आपका अंदर। हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है, खास तौर पे हार्ट में अगर हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अगर ठीक से नहीं है, हार्ट की अगर मसल्स में अगर कमजोरी आ चुका है जिसके कारण से पंपिंग कैपेसिटी कम हो गया है, तो वहां भी इस मेडिसिन को हम लोग इस्तेमाल में रख सकते हैं। बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस मेडिसिन को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इस मेडिसिन का 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को लेना चाहिए, हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ मिला के आपको पीना चाहिए। एवरी डे आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम में आपको कमी दिख जाए तब दो टाइम की जगह आप एक टाइम ले सकते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ी बहुत गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम किसी किसी पेशेंट के अंदर हो सकता है, लेकिन ऐसा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।